सबसे पहले तो एक छोटा सा गेम खेलते हैं, लव, प्यार, इश्क, ब्रेकअप, जन्माष्टमी, फाइंड द ऑड वन आउट. जन्माष्टमी, आई एम द वन हु इज सेइंग अबाउट जन्माष्टमी द ऑड वन आउट हियर, क्योंकि सब कोई लव पे बोल रहा है, कोई ब्रेकअप पे बोल रहा है, कोई, लेकिन आउट ऑफ द लीक आई एम परफॉर्मिंग. द टॉपिक इज जन्माष्टमी, क्योंकि जन्माष्टमी आने वाली है. बीइंग अ राइटर, बीइंग अ प्रेजेंटर, परफॉर्मर, मुझे लगता है कि हमारी एक ड्यूटी होती है कि हम सोशल इश्यूज को भी लिखें, उन पर भी बात करें, बिकॉज वी कैन राइट, वी हैव दैट अबिलिटी, तो वी कैन डेफिनेटली गो फॉर दिस. आपकी पर्सनल लाइफ एक तरफ है एंड आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बहुत जरूरी है. एंड बींग अ लाइक युवा, द यंग पीपल ऑफ द नेशन, आई थिंक ये सब करना चाहिए. तो अभी मैंने जन्माष्टमी के ऊपर, क्योंकि जन्माष्टमी आ रही है, तो कृष्णा के ऊपर कुछ लिखा है कि इट्स लाइक अ डायलॉग बिटवीन अ यंग बॉय, यंग मैन एंड अ कृष्णा कॉन्वर्सेशन, राइट. कि मम्मी के ताने बाने सुन मैं मंदिर तो पहुंच गया. वहां पुजारी जी ने प्रसाद के साथ साथ एक छोटा सा मोटा सा ग्रंथ मेरे हाथ में थमा दिया. दिन भर की थकान मिटाने जो ही मैं बिस्तर पर आराम फरमाने लगा, दिन भर की थकान मिटाने के लिए जो ही बिस्तर पर आराम फरमाया, वो ग्रंथ मुझे मेरे बेड साइड टेबल पर नजर आया. टूटी फूटी हिंदी में मैंने पढ़ना शुरू किया और धीरे धीरे एक पेज से दूसरे पर पहुंच गया. रात का सन्नाटा पूरी तरह पसर गया, मानो बाहर की आवाज और कानों के बीच एक पर्दा सा आ गया. अचानक एक आवाज सुनाई दी, अरे संभल कर भाई, मुझे गिराओगे क्या? मैंने आंखें खोली तो सामने कृष्णा नजर आया. पर मैंने तो अभी अभी था पढ़ना शुरू किया, इतनी जल्दी आपने रिस्पॉन्ड कैसे किया? इस कलयुग में स्वयं पधारे हो कन्हैया, क्या मेरी श्रद्धा इतनी सच्ची थी क्या? तुम्हारी श्रद्धा का तो पता नहीं, कृष्णा ने कहा, कि तुम्हारी श्रद्धा का तो पता नहीं, पर रुक्मणी जरा हमसे नाराज है. आई नीड सम एयर कहकर हम वैकुंठ छोड़कर आया, सोच ही रहा था क्या करूं, इतने में तुम्हारा विजिट कॉल आया. मैंने झट से पूछा, नाराज, ऐसा क्या हुआ? ना हो ना हो आपने ही कुछ किया होगा, क्योंकि वाइफ इज ऑलवेज राइट. मम्मी ने हर झगड़े में पापा को यही है सुनाया कि वाइफ इज ऑलवेज राइट. मम्मी ने हर झगड़े में पापा को यही है सुनाया. सही कहा रुक्मणी की कोई गलती नहीं, सही कहा रुक्मणी की कोई गलती नहीं, पर ये दुनिया को ना समझ आया. वो नाराज है, कहती है क्यों तू हर जगह सिर्फ राधा के साथ ही नजर आया, कि तू हर जगह सिर्फ राधा के साथ ही क्यों नजर आया. मैं पटरानी हूं तेरी तुम्हारी, पर मेरी कहीं कोई नहीं छाया. मैं पटरानी हूं तुम्हारी, पर मेरी कहीं नहीं कोई भी छाया. मैं कैसे समझाऊं उसे कि दुनिया ने एक योगी को भोगी है बनाया, तू ही है मेरी एक ही पटरानी, ना जाने क्यों राधा के संग मेरा नाम जोड़ दिया. अब तुम ही बताओ, कृष्णा ने मुझसे पूछा कि अब तुम ही बताओ, नहीं नहीं तुम ही मुझे समझाओ, तुम्हारी शादी के बाद अगर तुम्हारी पत्नी के बजाय किसी और का फोटो ही हर जगह लगाया जाए, तुम्हारी शादी के बाद तुम्हारी पत्नी की बजाय किसी और का फोटो ही तुम्हारे साथ हर जगह लगाया जाए, तुम्हारे बेडरूम से लेकर तुम्हारे ड्राइंग रूम तक, तुम्हारे वॉलेट से लेकर तुम्हारी डीपी तक. बात तो लॉजिकल है. मैं भी सोच में डूब गया, जब बात अपने ऊपर पड़ी तो पसीना ही छूट गया. पर तुम तो ईश्वर हो, सोच क्यों नहीं बदलती दुनिया की, यही तो ट्रेजेडी है, कृष्णा ने कहा, यही तो ट्रेजेडी है. एक तरफ तो मुझे भगवान बना दिया और दूसरी तरफ मुझे कैरेक्टरलेस बना दिया. ना कभी की रासलीला, ना कभी गोपियों को छेड़ा, ना माखन चुराया, ना गोपियों का चीरा. अगर गोपियों के कपड़े चुराता तो क्यों मैं द्रौपदी को चीरहरण से बचाता.
अब तक जितने नर्म लग रहे थे कृष्णा, अब उतना ही क्रोध भी उमड़ आया। मैं भी निशब्द था, क्या कहूँ कुछ समझ ना आया। क्यों हमने भगवान को कैरेक्टर लेस बनाकर परोस दिया, क्यों हमने भगवान को कैरेक्टर लेस बनाकर परोस दिया। हाउ कैन आई हेल्प यू, बस इतना ही कह पाया। मदद तो तुम ही कर सकते हो मेरी, कृष्णा ने कहा। यह कहकर कृष्णा थोड़ा तसल्ली में आया। ये पूरी घटना तुम अपने तक मत रखना, सोशल हाउस में जाकर दुनिया को बताना। अच्छे लोग हैं वो, तुम्हारी मदद जरूर करेंगे, चिंता मत करो, ये वीडियो YouTube पर भी पोस्ट करेंगे। आज समझ में आया कि भगवान भी भक्त की झूठी भक्ति के मारे थे। ईश्वर पर विश्वास करो, अंधविश्वास नहीं, यही सिखाने आए थे। जो वादा किया था कृष्णा से वो पूरा करने हूं आया। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना अगर पसंद है आया। खैर, ये सब तो है हंसी मजाक की बातें, पोस्ट करे ना करे वो तो है किस्मत की बात। पर कृष्णा के हर रूप को तुम जरूर जानना, पर कृष्णा के सच्चे स्वरूप को तुम जरूर जानना। बेवजह इलॉजिकल सी बातों को बस ऐसे ही नहीं मानना, बेवजह इलॉजिकल सी बातों को बस ऐसे ही नहीं मानना। पढ़े लिखे हो जरा विचार जरूर करो, क्या परोसोगे कृष्णा, क्या स्वरूप परोसोगे कृष्णा का आने वाली पीढ़ी को। पढ़े लिखे हो जरा विचार जरूर करो, क्या स्वरूप परोसोगे कृष्णा का आने वाली पीढ़ी को। कृष्णा है कोई खेल नहीं, कृष्णा है कोई खेल नहीं। बॉलीवुड के एंटरटेनमेंट का उसने उठाया ठेका नहीं। और कितने ही सुंदर रूप है उसके, और कितने ही सुंदर रूप है उसके। बलराम का अनुज 16 कलाओं में निपुण, बलराम का अनुज 16 कलाओं में निपुण। सुदामा का मित्र, रुक्मणी का स्वामी, गो का गोपाला, माता पिता का दुलारा, द्वारका का महारथी और अर्जुन का सारथी। गो का गोपाला, माता पिता का दुलारा, द्वारका का महारथी और अर्जुन का सारथी। सही गलत में सही को चुनना, यह कृष्णा ने हमें सिखाया। अपने कर्मों पर विश्वास करना, यह कृष्णा ने हमें सिखाया। अरे चित्र को नहीं चरित्र को मानो, गंगा जैसा पवित्र है उसे चरित्रहीन ना जानो, उसे चरित्रहीन ना जानो। बेहतरीन नज़मों और गज़लों के लिए सब्सक्राइब करें द सोशल हाउस को।